नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जालौन कोच तहसील क्षेत्र में ग्राम रवा में द्वारका प्रसाद निरंजन पब्लिक स्कूल का शिलान्यास डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के अयोध्या धाम और आचार्य श्री रामकृष्ण मिश्रा प्राचार्य संस्कृत विद्यालय ओरछा धाम के द्वारा हवन पूजन कर स्कूल का शिलान्यास किया गया। वहीं स्कूल के डायरेक्टर MLC रमा निरंजन, SMC प्रतिनिधि RP निरंजन ने बताया कि इस स्कूल से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकेंगे। वहीं इस मौके पर कोच SDM अशोक वर्मा, पूर्व SDM लखनऊ TP वर्मा, PCS और कोच कोतवाल इमरान खान, क्राइम कोतवाल उदय भान सिंह गौतम, पूर्व प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुमार निरंजन रवा, अपना दल S जिला अध्यक्ष अनिल अटरिया और भीड़ प्रधान मान सिंह कुशवाहा, रामा प्रधान मुन्ना सिंह, युवा समाज सेवी सत्येंद्र कुमार, दीकू गुर्जर रवा, गौरव पटेल रवा, रसकेंद्र गुर्जर, राकेश कुमार, अजय कुमार निरंजन, रिंकू रवा, मिस्टर पटेल धरनोरा, हमीर सिंह, वीरेंद्र कुमार कोटेदार रवा, मुलायम सिंह कुशवाहा आदि ग्रामीण लोग मौजूद रहे। शिक्षा सुलभता से मिल जाए, उन्हें दूर में जाना पड़े और अच्छी आदमी शिक्षा सुविधाओं से प्राप्त हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। बहुत सारी शुभकामनाएं प्रयास से इस विद्यालय में कुछ सांस्कृतिक शिक्षा वगैरह भी, कोई आध्यात्मिक शिक्षा भी रहेगी। आध्यात्मिक शिक्षा तो आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति प्रकट चलाए जाएंगे, लेकिन मूल रूप से जो आधुनिक शिक्षा है उसमें आधुनिक शिक्षा में विज्ञान की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा और शिक्षा है जो समाज को आगे लेकर प्रयास होगा। और उसके लिए क्या आवाज़ नहीं आ रही होगी, इस प्रकार में समान शिक्षा की व्यवस्था की बात मंच के माध्यम से कही है, किस प्रकार की व्यवस्था इस विद्यालय के माध्यम से रहेंगी जिसमें समान शिक्षा की व्यवस्था रखी है। समान शिक्षा की व्यवस्था रखने के लिए यही है कि न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा प्राप्त हो, सभी बच्चे बच्चे से सुलभ हो और भी रवा में जो DPN पब्लिक स्कूल का शिलान्यास किया गया, हमारा द्वारा क्या कहना है? ऐसा है, मैंने अपने पूज्य पिता श्री द्वारका प्रसाद निरंजन की स्मृति में इस कॉलेज का निर्माण कराया। इस कॉलेज के निर्माण के जो उद्देश्य हम आपको दे रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको कोई शिकायत नहीं मिली और फीस के मामले में, सुविधाओं के मामले में शायद पूरे ज़िले में कोई स्कूल नहीं होगा जो हमसे अच्छी और अच्छी शिक्षा दे रहे होंगे, लेकिन फीस का मापदंड ऐसा रखेंगे ताकि गरीब से गरीब किसान यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये मेरा पहला कदम। इस विद्यालय को आपने अभी कक्षा 1 से 8 तक के लिए शुरुआत की है, कहाँ तक का लक्ष्य आपने रखा है, किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर ऐसा है? हमने अभी कक्षा 8 से लेकर 8 तक CBSE से मानता रही है, इंग्लिश मीडियम है, चूँकि इंग्लिश मीडियम की दिक्कत है, इसको हम 21-22 में चलाएँगे 8 तक। 22 में जो हमारा अगला 22 अप्रैल आएगा उसमें हम चलाएँगे हाई स्कूल इंटर, ताकि अभी हमारी लैब नहीं है, कंप्यूटर लैब हो जाए, बायो लैब हो जाए, केमिस्ट्री लैब हो जाए, फेस लैब हो जाए, पुस्तकालय हो जाए, खेलकूद के मैदान हो जाए, वो छात्रावास हो जाए और शिक्षकों को आवास की व्यवस्था हो जाए, इसलिए हम 1 साल का मौका और लेंगे ताकि हाई स्कूल पर चलाएं। सरकार ने अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की है उस पर आपका क्या कहना है? शिक्षा नीति जो भी सरकार लागू करते अच्छी करते, हम तो उसका पूरा पालन करेंगे। हम कोई विपक्ष में